ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज करने की, तो कौन सी चूज करेंगे? इंडिया की करेंगे बिल्कुल। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया। इंडिया की वैक्सीन अच्छी है की यूज करूंगी। या क्यों? आई डोंट नो, चाइना की चीजें थोड़ी नकली होती है, सो दैट इज व्हाट वी हैव इन आवर माइंड। भारत ने वैक्सीनेशन के लिए नई लिस्ट जारी कर दी। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान को पता चली, वहां पर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। पाकिस्तान अब भी वैक्सीन के लिए तड़प रहा है। जो वैक्सीन मिली भी है वो चाइनीज है, जिस पर पाकिस्तानियों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो वैक्सीन चाहते हैं मेड इन इंडिया वाली। अगर आपको ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज करने की, तो कौन सी चूज करेंगे? इंडिया की करेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान का हमारा वो एक रिश्ता है ना, उस तरह का, क्योंकि उनकी वो चाइनीज शक्लें और तरह के, पता नहीं वैक्सीन काम करे कि ना करे। पाकिस्तान की इंडिया की कर देंगे, शक्लें भी सेम है, इकट्ठे रहे हैं काफ़ी देर, मेरे ख्याल से तो मतलब काम कर जाएगी। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया। इंडिया की वैक्सीन अच्छी है एंड आई हैव, मैंने लोगों से पूछा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, एंड दे हैव, किसी एक ने यूज़ की है एंड दे से दैट्स गुड, वैक्सीन अच्छी है। चाइना से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है इंडिया की। जो वो यूज़ करें डेफिनेटली, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आई विल गो फॉर इंडिया। इंडिया की बिल्कुल, इंडिया की, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। इंडिया की वैक्सीन यूज़ करें, सब यूज़ करें, मैंने भी यूज़ किया है। इंडिया की। क्यों? ऐसे ही बस, इंडिया ज़्यादा बेहतर है, वो ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसलिए ना, चाइना की फिर चाइना की होती है ना। इंडिया। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर है। मैं इंडिया की यूज़ करूँगी। या क्यों? आई डोंट नो, चाइना की चीज़ें थोड़ी नकली होती है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव इन आवर माइंड। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा, और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। लेकिन ये जो वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है, ये कोई डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान को नहीं दे रहा। ये जो कोवैक्स फैसिलिटी है, जो कि ग्लोबल अलायंस है वैक्सीनेशन सप्लाई करने का पूरी दुनिया में, ये उसके तहत ये वैक्सीन आ रही है। सवाल ये नहीं है कि किसके तहत आ रही है, सवाल ये है कि वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है। लोग इसको शायद ये समझ रहे हैं कि शायद इंडियंस इसको अपने एंगल से देख रहे हैं, पाकिस्तानी अपने एंगल से शायद देख रहे हैं। ना तो ये किसी की इंसल्ट है, ना ये किसी की कोई के लिए कोई बुरी बात है। इंसानियत बचाना पूरी दुनिया में सबका काम है। तो जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने ऑलरेडी जो ऑक्सफोर्ड की जो है वो एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन है, वो एमरजेंसी अप्रूव के लिए, एमरजेंसी के लिए ऑलरेडी अप्रूव कर दी है जनवरी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो ये वैक्सीनेशन खरीद सके। सो जो कोवैक्स के जरिए जो वैक्सीनेशन वो एक आएगी, ठीक है जी, वो हम लेंगे। और इंडिया ऑलरेडी 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में ये वैक्सीनेशन दे चुका है। कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है कि इंडिया के कुछ जो वैक्सीन मेकर, उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान से रابطہ किया है। मैं पर्सनली अपनी जात की हद तक ये समझता हूँ कि अगर एक वैक्सीन कहीं पे बनी है वो जान को की हिफाजत के लिए है, और अगर मुझे चाहिए, किसी इंसान को चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। वो कहीं से भी आ रही हो तो इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। इंडियंस इसमें बड़ा सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं। मैंने काफ़ी इंडियन मीडिया को देखा है, और मुझे भी एक दो चैनल से आई कॉल इसके लिए, तो ये चलता रहता है, ये होता है। और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, मैंने पहले भी इसके लिए ये कहा था कि इंडिया की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो धात की मुस्तहक है। देखिए इस वक्त तकरीबन ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो कह रहा है कि तकरीबन 6.25 लाख डोजेस से ज्यादा जो है वो वैक्सीन जो है वो 6.25 लाख नहीं, इससे ज्यादा 6 लाख डोजेस, 6.25 लाख जो डोजेस हैं वो सप्लाई हो चुकी हैं, और जिसमें तकरीबन उन्होंने तकरीबन 163 लाख जो जो डोजेस हैं वो सिर्फ कोवैक्स में भेजी हैं।
मैंने गलत कहा व्यूअर्स, मैंने कहा था 579 लाख डोजेस, सॉरी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कोवैक्स के तहत भी इन्होंने काफी जो वैक्सीन भेजी हैं, बल्कि यूएन के जो परमानेंट वो जो है पीस कीपिंग के लोग, उनको भी इन्होंने वो वैक्सीन भेजी हुई है। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वो इसको पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो कोवैक्स है, अब इंडिया ने अगर कोवैक्स में वो वैक्सीन दी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब कोवैक्स का फॉर्मूला ये है कि वो कहते हैं कि हमने जो दुनिया के 190 ममालिक हैं उनमें 20% लोगों जो पॉपुलेशन है उसको कवर करना है। सो पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन जो 4-5 करोड़ के करीब बनती है वो कवर करेगा और कोवैक्स कवर करेगा इसमें तो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंडिया के अंदर खुद जारी बात है बहुत बड़े पैमाने पे ये वैक्सीनेशन दी जा रही है, और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया तकरीबन जो 20 लाख डोजेज जो हैं वो एक सिंगल डे में उन्होंने दी हैं, और इससे भी ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन देनी है। सो इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह लें कि कोई वो नहीं है, कि ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूँ कि भारत से तो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है, भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो, या कुछ और जो रैबिट की जो वैक्सीन होती हैं जो होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। सो हमें इस को वेलकम करना चाहिए, और इससे कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी वो इंडिया क्यों हमें ये वैक्सीन दे रहा है और हमें जो है वो हमें इंतजार करना चाहिए अपनी वैक्सीन का। अगर हम अमेरिका से वैक्सीन ले सकते हैं, इंग्लैंड से ले सकते हैं और यूरोपियन यूनियन से ले सकते हैं, तो इंडिया से क्यों नहीं ले सकते। असल चीज तो जान बचाना है, जान किसी की भी हो, मुसलमान की हो, हिंदू की, ईसाई की, ज्यू की, सब बराबर जाने हैं। सो ये चीज हमें थोड़ी सी इस चीज को अवॉइड करना चाहिए और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस वक्त जान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक इंसान बड़ा अहम होता है। सो इंडिया ने अगर ये चीज बना ली है तो इंडिया को इटसेल्फ भी तो बहुत सारे ममालिक से बहुत दफा वैक्सीनेशन आई हैं, जो हैं वो डोनेशन आई हैं, एड आई है, ग्रांट आई हैं, उन्होंने बहुत दफा चीजें खरीदी भी हैं, तो ये मैं समझता हूँ। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री का एक वैक्सीन बना लेना फिर उसको इस काबिल हो जाना कि उसको दुनिया के बाकी ममालिक के साथ कंपीट करके इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज है और जो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया, आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव, हमें समझनी चाहिए कि, और दूसरा इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात इसलिए भी नहीं है कि 90% जो वैक्सीन पाकिस्तान में ऑलरेडी लगती हैं वो सारी तो इंडिया से आती हैं। सो दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग समथिंग न्यू। जो हमारे जो स्टेट फंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें हम हर साल जो है वो लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं, वो बहुत सारी वैक्सीनेशन तो हमें इंडिया से मिलती है, वो हम बाय करते हैं उनसे, और क्योंकि इंडिया की वैक्सीनेशन हमें सस्ती पड़ती है, हमारे बिल्कुल साथ मुल्क है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है। एक वो एक इकोनॉमी का एक रूल होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड। वो कहते हैं कि आप ट्रेड उन ममालिक के साथ करें जो आपके इर्द गिर्द हों, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कम हो, हर्डल ज्यादा कम हो। जैसे इंडिया के साथ हम ट्रेड करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव दैट वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड रिस्पेक्ट, एंड वी शुड ऑनर ऑल दोज मेडिकल वर्कर्स जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई हैं। तीसरी एक लहर जो है कोरोना की शुरू हो चुकी है, लेकिन हल उसका अगर सिर्फ SOPs पर अमल दरामद है तो साथ में वैक्सीनेशन भी है, और हम अनफॉर्चुनेटली शायद उन चंद ममालिक में से हैं दुनिया में जो उस अपनी, मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी तक तो 5% भी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो क्या प्लान क्या है और व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कम अज़ कम प्राइवेट सेक्टर को तो अभी तक ये सारे मामलात हल कर लेने चाहिए थे, क्योंकि जिनकी कुव्वत खरीद है तो कम अज़ कम वो तो अपनी वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर हुकूमत पे रहें तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले 2 सालों में हम 15-20% से ज़्यादा वैक्सीनेट कर पाएंगे अपनी पॉपुलेशन को। अगर आज सारे लोग डिसाइड कर लें कि जी हमने वैक्सीनेशन करवानी है,
तो हमारे पास कितने लोगों के लिए वैक्सीनेशन है, सिर्फ अगर इस पे बात करें, और प्लान्स क्या हैं हमारे वैक्सीनेशन मंगवाने के, क्योंकि वो तो वैक्सीनेशन से हमें वैसे ही बहसीयत पाकिस्तानी चिड़ है। अगर पोलियो वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए और कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं, वो सारी चीजें अगर साइड पर रख दें, प्लान्स क्या हैं हमारे वैक्सीनेशन के लिए आगे, कितने हमारे पास वैक्सीनेशन इस वक्त अवेलेबिलिटी क्या है और आगे का प्लान क्या है हमारे पास? देखिए, इस वक्त तो जितने हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुई हैं उनके लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। साइनोफार्म जो है मजीद हमें जो है वो 15 तारीख तक मिल जाएगी, मजीद उसकी हमारे पास खेप आ जाएगी। उसके अलावा जो एस्ट्राजेनिका है वो थोड़ी सी डिले हुई है, मगर वो भी आपको 2-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला वो भी हमारे पास पहुंच जाएगी। एस्ट्राजेनिका जो है वो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है और उनकी कमिटमेंट हमारे साथ 14.5 मिलियन की जो कमिटमेंट है फर्स्ट गो में कि उन्होंने हमें ये वैक्सीन देनी है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने परचेज करने के लिए कैंसिनो बायो की वैक्सीन, जिसका हमारे मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। आज हमने बाइंग के लिए भी जो है वो वैक्सीन का ऑर्डर जो है कैंसिनो बायो और ये डॉक्टर साहब वेटिंग लिस्ट में हमारा नंबर क्या है बाइंग ऑर्डर अगर हमने प्लेस कर दिया तो एक्सपेक्टेड? देखिए, जिस वक्त किसी मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो कि कैंसिनो बायो ने पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे, 30,000 वॉलंटियर्स ने पाकिस्तान में उस ट्रायल्स में हिस्सा लिया था, तो ये एक बाइंडिंग होती है उस कंपनी के ऊपर कि वो प्रायोरिटी के ऊपर हमें वैक्सीन देगी। और इसके लिए प्री बुकिंग जो थी वो पहले से हो चुकी थी, आज से काफी अरसा पहले जब ये ट्रायल्स शुरू हुए थे। तो मुझे उम्मीद है कि कैंसिनो बायो की भी वैक्सीन जो है हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि वो बाउंड है हमारे साथ हमें जल्दी प्रोवाइड करने की, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रायल्स हमारे मुल्क में किए हैं। और कैंसिनो बायो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो सिंगल डोज वैक्सीन है, बाकी वैक्सीन की तरह उसकी 2 डोजेस नहीं चाहिए, वो 1 डोज उसकी सफिशिएंट है। बड़ी अहम ये पूरी जो गुफ्तगू हुई डॉक्टर साहब ने की, मैंने तो उनसे काउंटर सवालात किए, क्योंकि मेरे ख्याल में सितंबर तक अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि 3 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं है। हमारी आबादी कम से कम 22 करोड़ है और 22 करोड़ में से 3 करोड़ अगर सितंबर तक वैक्सीनेट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि खदशात खुदा ना ख्वास्ता मौजूद हैं कि एक और लहर अगर आई कोरोना की, खुदा ना ख्वास्ता मैं साथ में कह रहा हूं, तो काफी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है।